नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेथी के दानों से करें अपना वजन कम। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह नुस्खे घरेलू होते हैं, यह आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। आज हम मोटापे से परेशान लोगों के बारे में साधारण और अचूक उपाय बताएंगे, जिससे आपकी बढ़ती कमर पर ब्रेक लगेंगे तो साथ ही आपका फिगर बन जाएगा जीरो। तो आप देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। दरअसल मेथी के दाने को आयुर्वेदिक ने कई बीमारियों का चूक इलाज बताया है। मेथी के दाने वजन कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, डायबिटीज को दूर करने के लिए काफी मददगार साबित हुआ है। जिन्हें ज्यादा भूख लगती है वो अगर मेथी के दाने खा लेंगे तो उनको भूख कम लगने लगेगी और उनको बार बार खाने की आदत कम हो जाएगी। इसमें फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करता है। आइए जान लेते हैं मेथी के दानों से वजन कम करे तो करे कैसे। पहला नुस्खा, मेथी के दाने को पीसकर सुबह खाली पेट में पाउडर बनाएं और उसे गुनगुने पानी के साथ ले, आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा नुस्खा है, मुट्ठी भर दानों को रात भर भिगो कर रखे और सुबह छान कर उसे खाए, इससे भूख देर तक नहीं लगेगी जिससे वजन नियंत्रित रहेगा। एक कप खौलती हुई पानी में जरा सी पीसी हुई मेथी डाले, फिर उसमें दालचीनी और घिसी हुई आधी इंच की अदरक डाले। इस चाय को पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और खाना आराम से पच जाता है। चौथा नुस्खा है, अंकुरित मेथी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इन्हें सुबह खाली पेट खाने से वजन कम होता है। पांचवा नुस्खा है, एक कप ग्रीन टी में शहद और नींबू का जूस मिलाएं और ऊपर से पीसी हुई मेथी का पाउडर डालें। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीने से वजन जल्द से जल्द कम होता है। करके देख लीजिए एक बार, बहुत जल्दी आपका वजन कम होने लगेगा। तो जाने आपने कितने सरल उपाय हैं और ये आपके उपाय घर में ही मौजूद है। इन उपाय के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इन मोटापे को कम करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। अब आपको कहीं भी घर से जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर में ही रहकर अपना वजन कम कर सकते हैं और बन सकते हैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।